नियुक्ति आप लोग कब देंगे बच्चों को? देखिए नियुक्ति भी होगा और चुनाव भी होगा, कोई काम रुकता नहीं है, ये टोटल काम जो है चलता रहेगा और कोविड को भी हम लोग कंट्रोल करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री आज बोले हैं आज कि तमाम विभागों में जो विसंगतियाँ हैं उसे समन्वय स्थापित करके उसको दूर करने की बात कहे हैं, तो सरकार गंभीर है नियुक्ति? पूरा गंभीर है, जितना पद रिक्त है वो सब भरा जाएगा, इसके लिए प्रोसेस चालू हो गया, हर विभाग को जो डिमांड है हम लोग सब दे दिए हैं, कितना कितना रिक्तियाँ हैं और होमवर्क चालू है। देखिए ये बड़ा सीधी सी बात है ना, और मुख्यमंत्री ने उसका बड़ा तेजी से काम करना शुरू कर दिया, कुछ विभाग में नियमावली जो बनना है वो भी बड़ा प्रगति पर है, इसलिए बहुत जल्दी रोजगार के सृजन होके रोजगार मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बीच में आचार संहिता लग जाएगा नवंबर दिसंबर में, आप चुनाव कराने वाले हैं, पंचायत चुनाव तो होना ही है और हम समझते हैं उसमें ज़्यादा कुछ रुकावट नहीं होगा, कुछ दिन का तो बात होता है, लेकिन रोजगार के ऊपर में हेमंत सोरेन सरकार बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं, मैं आज उनसे मिला हूँ, जब भी मिलता हूँ वो बार बार हमसे ही पूछते हैं युवाओं के बारे में कि कैसे हम लोग जो झारखंड के लोग, झारखंड के युवाओं को रोज़गार हम लोग दें, इस पर लगातार हम लोग मंथन कर रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए आप लोग, हमें लगता है कि बहुत जल्द रास्ता निकलेगा। अब ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 21 में हम युवाओं का वर्ष होगा तो अभी 21 ख़त्म नहीं हुआ ना, पर चुनाव होने वाला है, नियुक्ति ठीक है वो देख लिया जाएगा, वेट एंड वॉच आप लोग कीजिए थोड़ा। देखिए इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि 2021 जो है निकटोई का वर्ष होगा, और मुझे लगता है कि उसी दिशा में पूरे विभाग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री और भी मंत्री सब काम कर रहे हैं, और इस बार अंतिम तक, इस साल का अंतिम तक हम लोग को लगता है कि नियुक्ति का वैकेंसी वगैरह सब निकल जाएगा। लेकिन आप तो चुनाव करा रहे हैं, आचार संहिता में कैसे कराएंगे वैकेंसी? देखिए अभी चुनाव करा नहीं, चुनाव कराना डेट देना ये तो चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग डेट निकालेगा तब देखा जाएगा, अभी तो डेट निकल कर नहीं आया, इसीलिए जब तक वहाँ से डेट डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक तो काम करने का हमें छूट है, और हमारा तो यही एक मोटो है कि 2021 जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले गए नियोजन का वर्ष होगा, और हम लोग लोगों को जो बेकार युवक है उसको नियोजन मिलेगा, चुनाव उसमें बाधक नहीं बनेगी, चुनाव का भी तो सवाल ही नहीं होता, जब तक वो चुनाव आयोग उसका नहीं विधिवत जो है अनाउंस नहीं करते हैं तब तक तो इसके बारे में तो हम लोग नहीं सोचते।